हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 4 जिसका नाम एसिड्स बेस एंड साल्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉप चैप्टर है ये 4 टॉपिक में, यानी एसिड बेस इंडिकेटर और साल्ट, ये 4 टॉपिक में ख़त्म होगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक है एसिड्स, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं अम्ल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। ठीक है, ये जो एसिड्स वर्ड है, एसिड वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड जो है एकेरेस, ठीक है, एकेरेस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोप। ये जो एसिड वर्ड है ना, ये कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है एकेरेस, ठीक है, उस वर्ड से ये एसिड शब्द बना है, और इस एकेरेस का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि द सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट कंटेन एसिड देम, यानी जो भी चीज़ आपको खट्टी लगे, जो भी पदार्थ आपको खट्टा लगे, यानी स्वाद में टेस्ट उसका खट्टा हो, तो आप समझ लेना कि उसमें क्या है, एसिड है, यानी अम्ल है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, सम एसिड्स अकर नेचुरली इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कुछ एसिड आप देखोगे वो प्राकृतिक रूप से जो है वो फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं। तो जो फलों और सब्जियों में जो प्राकृतिक रूप से एसिड पाया जाता है उसको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, यानी इनसे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप एसिटिक एसिड ले लो जो विनेगर में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड ले लो जो आपके टैमारिंड यानी इमली में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ देखो एक टेबल दी गई है, और इस टेबल में जो सोर्स है जैसे कि एप्पल, टोमेटो, टैमारिंड, ठीक है, एंटिया बी के जो स्टिंग होती है उसमें, खट्टे दूध में, दही में, ठीक है, लेमन में, इसमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं ये बताया गया है। ठीक है, सम एसिड्स, अब हम लोग आगे जो है देखते हैं कि आगे के जो पेजेस में क्या बताया जाता है। इतना तो हम जान गए कि जो फलों सब्जियों में एसिड पाया जाता है वो वीक एसिड होता है, ठीक है, उसे ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो मिनरल सोर्सेज से, यानी खनिजों के सोर्स से निकाले जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड, या फिर इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ये जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में को रखते हैं। ठीक है, जिसके फार्मूले आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि एसिड के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। पहली प्रॉपर्टी बताई गई है कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, जब भी आप एसिड देखोगे वो आपको टेस्ट में जो है वो सोर लगेगा। सेकंड, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि जो एसिड होती है अगर उसको आप लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो कलर चेंज कर लेता है, यानी रेड कलर में बदल जाता है। तो आप समझ जाना कि ये जो ये पदार्थ है वो क्या है, वो कैसा पदार्थ। ठीक है, तो ये स्वाद में जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर पर डालने से ये रेड कलर में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा एसिड की और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एसिड है अगर आप इसको बेस के साथ मिलाओगे तो ये क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी उसकी पावर को ख़त्म कर देगा, और साथ में क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा एसिड को पहचानने के और क्या गुण तरीके हैं, एसिड को जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है, यानी पानी में घुल जाता है। ठीक है, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड अगर पानी में मिला दिया तो आप देखोगे उसमें पानी के बुलबुले उठने लगते हैं, यानी हीट निकलने लगता है उसमें से। ठीक है, इसके अलावा जो एसिड होता है वो नेचर में, यानी जो प्रकृति है उसकी, वो बहुत ही ज्वलनशील है, यानी अगर वो आपकी स्किन पे या किसी स्क्रीन पे गिर जाए तो वो उसको जला देता है, उसको उसमें जलने की जो निशान छोड़ देता है या जला देता है उसको। ठीक है, जैसे आपने अल्मोनियम और आयरन के मेटल देखे होंगे वो कोरोड हो जाते हैं, वैसे ही ये और भी मेटलों को कोरोड कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कि एसिड जो है टेस्ट में सोर होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और वाटर और सॉल्ट बनाता है, पानी में सॉल्युबल होता है, और हार्ड अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो पानी में तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, एसिड नेचर में कोरोसिव होता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइए हम जानते हैं कि एसिड के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग हैं।
ठीक है। तो एसिड का इस्तेमाल हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं, यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जो एसिड होते हैं, जैसे कि आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, ठीक है, वो कार की बैटरियों में इस्तेमाल होता है। एसिड जो है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे आप कोई अचार बनाए या कोई चीज़ बना रहे हो, उसको सुरक्षित रखना कई दिनों तक के लिए, तो आप उसमें जो है एसिड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड है उसका इस्तेमाल जो है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनमें जो बॉयलर होते हैं उसके स्केल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एसिड का इस्तेमाल जो है वो टेक्सटाइल, पेपर, लैदर, डिटर्जेंट इत्यादि बनाने में भी जो है इस्तेमाल होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा एसिड, खासकर जो नाइट्रिक एसिड है, उसका इस्तेमाल एक्सप्लोजिव बम बनाने में है, यानी मतलब जो धमाका करने वाली चीज़ों बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, और सिल्वर और गोल्ड को के प्योरीफिकेशन में भी काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने एसिड के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।